हेलो गाइस, वेलकम टू रश्मीज फूड वर्ल्ड। आज मैं नवरात्रि स्पेशल फलाहारी दही बड़े बनाने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फलाहारी दही बड़े। दही बड़े बनाने के लिए उबले हुए आलू लिए हैं। आलूओं को या तो मैश कर लीजिएगा या ग्रेट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर आलूओं को ग्रेट किया है। 4 चम्मच कुटू का आटा। कुटू की आटा की जगह आप राजगीरा का आटा या सिंघाड़े का आटा ले सकते हैं, या जो भी आटा आप व्रत में खाते हैं उसे ले सकते हैं। 4 चम्मच मूंगफली, 2 चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च और 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, इसे ले लीजिएगा। और 1/2 चम्मच या स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, इसे ले लीजिएगा। बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, बस। अब इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। पहले चम्मच से मिक्स करिए, फिर हाथों से मिक्स करिएगा, क्योंकि चम्मच से अच्छे से मैश नहीं होगा। अब इसका एक बढ़िया सा डो तैयार कर लीजिएगा। आलू का डो बनकर तैयार हो गया है। अब चलिए वड़े बनाते हैं। वड़े बनाने के लिए छोटी छोटी बॉल्स कट करिएगा और इसके बाद हाथों से गोल करके इसे थोड़ा सा चिपटा कर दीजिएगा। बस इसी तरीके से सारे वड़े तैयार कर लीजिएगा। अभी तो आप इसे आलू की टिक्की भी बोल सकते हैं। अगर वड़े ना बनाने हो तो इसे आप फ्राई कर लेंगे तो आलू की टिक्की बन जाएगी। एक मैं आपको और बनाकर बता रही हूँ। अगर आप गोल बनाना चाहते हैं तो चिपटा बिल्कुल भी ना करिएगा। ये देखिए फ्रेंड, सारे वड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब चलिए इन्हें हम फ्राई करते हैं। इसे मैं मूंगफली के तेल में फ्राई कर रही हूँ। आप लोग देसी घी या व्रत में जो भी ऑयल खाते हैं उसमें फ्राई करिएगा। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा। ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाइएगा। अभी बिल्कुल भी ना टच करिएगा। जब एक तरफ वड़े अच्छे से सिक जाएं, यानी फ्राई हो जाएं, तब आप इन्हें पलट दीजिएगा एक बढ़िया सा कलर आने के बाद। इस तरीके से वड़े कढ़ाई में चिपकेंगे नहीं, और अगर तुरंत पलटेंगे तो सारे वड़े कढ़ाई में चिपक जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उलट के पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक या बढ़िया सा कलर आने तक वड़े फ्राई कर लीजिएगा। आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया वड़े बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से बाकी सारे वड़े भी बना लीजिएगा और एक टिश्यू पेपर पर रख दीजिएगा कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। फ्रेश दही लीजिएगा। दही में 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच सेंधा नमक, इसे मिक्स कर दीजिएगा। अब इसके बाद इस दही में सारे वड़े डिप कर दीजिएगा, लेकिन सिर्फ 5 मिनट तक। ज़्यादा देर तक वड़े दही में ना रखिएगा, नहीं तो वड़े दही को सोख लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छे से वड़े दही में डिप कर दीजिए, उलट पलट दीजिएगा कि वड़ों पर दही अच्छे से लग जाए, और 5 मिनट के लिए इसे ढक दीजिएगा। पाँच मिनट हो चुके हैं, अब दही से वड़े निकाल लीजिएगा। अब चलिए फलाहारी दही वड़े सर्व करते हैं। तो एक सर्विंग प्लेट लीजिएगा, उसके अंदर 2 से 3 वड़े रखिएगा। इस नवरात्रि आप लोग मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि रोज़ रोज़ मूंगफली, साबूदाना, आलू खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो अगर आप इसे बनाएंगे तो मन भी साफ हो जाएगा और पेट भी भर जाएगा। जिस दिन पूरी फैमिली व्रत रहती है उस दिन तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड कर दीजिएगा। कम से कम 2 चम्मच, व्रत में इमली तो खाते ही हैं। अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। दही कम से कम 4 से 5 चम्मच ज़रूर ऐड करिएगा। अब इसमें भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक, इसे डाल दीजिएगा। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, क्योंकि फलाहारी बना रहे हैं। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर दीजिएगा। जो चीज़ें आप नहीं खाते उसे स्किप कर दीजिएगा। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ और कट करके भी दिखा रही हूँ कि वड़े कितने
सॉफ्ट बने हैं। तो आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को सबसे पहले बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।